चंड मुंड और पार्वती के बीच का ये युद्ध स्त्री सम्मान के लिए, अहंकारी पुरुषों की सोच के विरुद्ध नारी शक्ति का विजय पर्व कहलाएगा। विजय पर्व कहलाएगा। विजय पर्व कहलाएगा। तुम्हारी अवस्था का बोध है हमें, तुम्हारी निर्बलता का ज्ञान है, और निर्बल सेवक बनाए जाते हैं। यह तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम मसूर राज की महारानी बनोगी। तो अब विजय पर्व कौन मनाएगा, इसका उत्तर समय देगा। समय देगा। समय देगा। आदि शक्ति की दुर्बलता पर मुझको बड़ी दया आ रही है भैया। इनकी कोमल काया इतनी निर्बल हो गई है कि हमारा प्रहार तो क्या वायु का झोंका भी नहीं सह सकती। समय रहते हक त्याग दो सुंदरी, असुर साम्राज्य और असुर राज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बातें मत बनाओ, अस्त्र उठाओ। तुम ब्रह्मांड सुंदरी हो। युद्ध में अगर घायल हो गई तो असुरराज के साथ कैसे जुझोगी? चंड मुंड जिसे तुम बंदी बनाने का स्वप्न देख रहे हो, वो आदि शक्ति है। वो आदि शक्ति है। वो आदि शक्ति है। और शक्ति का स्थान केवल अपने शिव के साथ। केवल अपने शिव के साथ। केवल अपने शिव के साथ। स्वप्न में भी और वास्तव में भी भूत में भी भविष्य में भी और वर्तमान में भी शक्ति सदा सर्वदा से केवल शिव की थी, शिव की है और शिव की ही रहेगी। और शिव की ही रहेगी। और शिव की ही रहेगी। युद्ध करो जैसी तुम्हारी इच्छा। सैनिकों आक्रमण। We'll be right back.
त्रिलोचन के विष ने शक्ति को ही शक्तिहीन कर दिया। अब आप ही कुछ कीजिए महादेव। उठिए देवी, शक्ति के मान के लिए, स्त्रियों के सम्मान के लिए, उठिए उठिए उठिए। जाओ सैनिकों, अब क्या होगा महादेव? धूम्रलोचन के प्रभाव से देवी इतनी निर्बल हो गई हैं कि चंडमुन की सेना का सामना भी नहीं कर पा रही। ऐसे में वो साक्षात चंडमुन से कैसे लड़ेंगे महादेव? महादेव, इस निर्णायक युद्ध का परिणाम क्या होगा? संसार यूं ही बढ़ा चढ़ाकर आदि शक्ति की शक्ति का बखान करता है। यदि तुम में सचमुच बल होता, साहस होता, शौर्य होता, तो तुम यूं मेरे सैनिकों के आगे निहत्ती ना होती। तुमने युद्ध की शर्त रखी थी, वो हमने पूरी कर दी। अब चुपचाप चलो और असुरराज की पत्नी होने का गौरव स्वीकार करो। चलो। हटी है ये, ऐसा नहीं मानेगी। इसके केश पकड़कर घसीट कर लेकर जाना होगा यहां से। शिव के रहते आदि शक्ति का अपमान किया है तुमने। हमारा केवल एक ही दंड है, मृत्यु मृत्यु मृत्यु।
रुक जाइए महादेव, आप चंडमुंड को दंड नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकता दंड? प्रश्न आदि शक्ति की गरिमा उनकी महिमा पर उठा है और आप चाहते हैं कि शिव मौन रहे। ये देवी पार्वती के कर्तव्य पूर्ति की यात्रा है महादेव। हे ऋषि भूलिए मत, आप सृष्टि के संहार कर्ता से बात कर रहे हैं, देवों के देव महादेव से बात कर रहे हैं। महादेव दाव पर आपकी क्षमता नहीं, वरदान की गरिमा लगी है। चंडमुंड का संहार केवल एक स्त्री ही कर सकती है, केवल एक स्त्री ही कर सकती है, केवल एक स्त्री ही कर सकती है। ब्रह्मदेव के वरदान का मान खबाव के हाथ में है महादेव। तुम्हारी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही होगी, तथास्तु। जिन्हें मारने का सामर्थ्य बड़े बड़े महाबली पुरुषों में भी नहीं, उनका भला कोई स्त्री क्या बिगाड़ पाएगी? ऐसी कोई स्त्री नहीं जो चंड को और मुंड को मार सके। अमर है हम, अमर, अमर। न कोई हमारा संघार कर सकता है, न कोई हमें प्रास्त कर सकता है, यहां तक के शक्ति के शिव भी नहीं, शिव भी नहीं, शिव भी नहीं, उसे कौन मार सकता है? यही तो दुविधा है, हम त्रिदेव ही चंडमुंड का संघार नहीं कर सकते। और जो कर सकती है वो यूं ही असहाय खड़ी। तो हमें आज्ञा दीजिए महादेव, मैं और देवी सरस्वती जाकर चंड मुंड का संहार करती हैं। हाँ महादेव। फिर आदि शक्ति के प्रण का क्या होगा? अकेले संपूर्ण असुरों के संहार के वचन का क्या होगा? महादेव, ऐसे में तो हमारे हाथ भी बंधे हैं, अब आप ही कुछ कीजिए महादेव। तुम्हारी हट, तुम्हारे अहंकार को चकनाचूर होने का समय आ गया है सुंदरी। देखा मुंड, धूम्रलोचन के धुएं ने कैसी स्थिति कर दी है संसार की आदि शक्ति की। बेचारी अस्त्र अर्जित करने का मंत्र भी स्मरण नहीं कर पा रही है। <laughs>
त्याग दीजिए। अभी आप युद्ध के लिए सज्ज नहीं। बधाई हो सुरमाता दिति, बधाई हो समस्त असुरकुल। निर्णायक युद्ध का निर्णय हो चुका है। साक्षात आदि शक्ति निर्बल खड़ी है। त्रिदेव प्रहार कर नहीं सकते। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती आदि शक्ति के प्रण के आगे नतमस्तक है, तो अब कौन करेगा युद्ध? कौन हराएगा चंड और मुंड को? आज वर्षों बाद हम असुर विजय का नाद बजाएंगे। कहां छुपे हैं महादेव? बचा सकते हैं तो बचा लीजिए अपनी पत्नी को। शक्ति के पूरक है ना आप, तो आइए बचाइए अपनी पार्वती को, बचाइए अपनी पार्वती को, बचाइए अपनी पार्वती को। अरे कैसे निर्मोही पति हैं आप, अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर भी मौन है। अपना मौन तोड़िए महादेव और बचा लीजिए देवी पार्वती को। हाँ महादेव, बचा लीजिए। यदि चंड मुंड का संहार एक स्त्री के हाथों लिखा है तो उचित है, तो उचित है, तो उचित है। हम त्रिदेवों को अपने भीतर छुपी स्त्री शक्ति को बाहर निकालना होगा, बाहर निकालना होगा, बाहर निकालना होगा। भावनाएं एक ओर जीवन का रस है तो दूसरी ओर जीवन के इस रस को छीन भी सकती है। इसलिए आज तीन ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिन्हें समझना अति आवश्यक है। पहला, कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, कभी भी आनंद की अनुभूति में कोई वचन मत दे बैठना, अन्यथा कब वो गले का फांस बन बैठेगा पता भी नहीं चलेगा। दूसरा, सामने कोई भी क्यों ना हो, कभी क्रोध में उत्तर मत देना, अन्यथा वो जीवन के सुख पर प्रश्न बनकर खड़ा हो सकता है। तीसरा, कभी भी दुख के क्षणों में निर्णय मत लीजिए, अन्यथा पछताएंगे। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और शिव की इस सीख का मूल समझें।